हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों शोएब मलिक और सना जावेद काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं और करे भी क्यों ना, भला सानिया मिर्जा को उन्होंने धोखा जो दिया है। सानिया मिर्जा को 3 सालों तक शोएब मलिक लगातार धोखा देते आए, इस वजह से शोएब की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हुई। लेकिन शोएब मलिक का तो कुछ और ही कहना है। शोएब मलिक ने जिस तरीके से सानिया मिर्जा के साथ शादी करने का हिंट पहले ही बता दिया था कि उनके साथ जो शादी है वो टूटने वाली है, इसके बारे में जिक्र करते हैं। दरअसल शोएब मलिक के पुराने कई सारे इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। ये इंटरव्यूज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शोएब ये चाहते थे कि वो लोगों को बता दे कि वो इस शादी से नाखुश है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2022 की बात है जब सानिया और शोएब के रिश्तों में दरार की पहली बार खबर सामने आई थी। फिर साल 2023 तक ये दोनों अलग हुए तो इनकी जो डाइवोर्स की खबरें हैं वो ज्यादा चर्चाओं में आई। हालांकि एक टीवी शो में इन दोनों को साथ में देखा गया तो इस डाइवोर्स को लेकर के कहा ये गया कि डाइवोर्स कैंसिल हो सकता है, लेकिन साल 2024 में डाइवोर्स की पूरी तरीके से पुष्टि हो गई। बताते चले कि अब किस तरीके से शोएब सानिया से परेशान हो गए थे, इसका जिक्र उन्होंने एक शो में किया, एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सानिया उनके लिए कोई भी मतलब नहीं रखती और सानिया ही क्यों बल्कि आयशा सिद्दीकी भी उनके लिए कोई भी मतलब नहीं रखती थी। लेकिन इस इंटरव्यू को सुनने के बाद ये साबित हो गया कि शादी जैसा शब्द शोएब मलिक के लिए महज एक ऐसे रिवाज की तरह है जिसे वो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी शादी वो बार बार कर सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। अपने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए और सानिया मिर्जा के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए शोएब मलिक का एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। जी हाँ, इस स्टेटमेंट में शोएब मलिक ने कुछ ऐसा जवाब दिया है जिसको सुनने के बाद सानिया मिर्जा को काफी ज्यादा दुख होगा। बता दें कि शोएब मलिक ने शादी के बाद फिलहाल किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से एक स्टेटमेंट उनका वायरल हो रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि शोएब ने चुप्पी तोड़ी है और सानिया मिर्जा को लेकर के जो ट्रोलिंग की जा रही है उस पर करारा जवाब भी है। शोएब ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो आखिर क्या सोचते हैं। शोएब ने कहा कि आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे, आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, ये बिल्कुल नहीं दिमाग में लाना चाहिए। इस तरीके से शोएब मलिक ने अपनी एक फीलिंग्स के बारे में बताया। अब शोएब का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भले ही आपको ये सीखने में वक्त लगे कि लोग क्या सोचेंगे, आप अपने दिल की करो, चाहे 10 साल लग जाए या 20 साल लग जाए, ये कहना है शोएब मलिक का। जैसे ही शोएब मलिक ने ये बात कही, लोगों ने इसको ट्रोल करना और क्रिकेटर को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। एक ने लिखा, मतलब इसका कि यह दिल अभी भी एक शादी करके और नहीं भरा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि यह लगता है शोएब अब चौथी शादी भी करने वाले हैं। तो वहीं एक ने लिखा कि इसी मोटिवेशन से हाय पाकिस्तान आज तरक्की पर है। इस तरीके से शोएब मलिक की ट्रोलिंग की जा रही है। बता दें कि शोएब मलिक का ये बयान वाकई में सानिया मिर्जा के लिए काफी ज्यादा दर्दनाक साबित हुआ है। देखा आपने इस रिपोर्ट में कि शोएब मलिक क्या सोचते हैं। वेल, शोएब मलिक के साथ साथ सना जावेद इन दोनों ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। इस बयान को अगर लिया जाए तो इस बयान पे कई सारे कमेंट आए हैं। शोएब मलिक के इस इंटरव्यू पर जिस तरीके से कमेंट सामने आ रही हैं उसमें से सना जावेद को लेकर के भी परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल सना जावेद को लेकर के कमेंट ये सामने आया कि जो इंसान दो शादी वो भी दोनों ही पत्नियों से धोखा देकर के कर सकता है तो आखिर तीसरा क्यों नहीं कर सकता। जिस तरीके से इस कमेंट को देखा जाए और स्टेटमेंट जो शोएब मलिक ने दी है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा कयास बना हुआ है कि शोएब मलिक शादियां आगे भी कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि शोएब सना के साथ ही जिंदगी बिताएंगे। इस वजह से सना जावेद को लेकर के माना ये जा रहा है कि उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब सना जावेद का हाल अगर पूछा जाए तो उनका हाल तो कुछ यूं है, ना घर के रहे ना घाट के। अब देखना ये है कि ये सना जावेद का परिवार इस पर कब तक अपनी चुप्पी तोड़ता है। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।